Boys Vision, project of Vasudev Bubna Memorial Trust in association with SIMSA presents Entrepreneurial Idea Award 2019. Starts the first level of engagement that gives you a piece of information that should inform the rest of your pitch. सर ने ऐसा बोला कि जब हम इन्वेस्टर से मिलते हैं तो हम इन्वेस्टर को एक तरह से जानते नहीं हैं। जब भी हम उनसे बात करते हैं हमें उनके बारे में नहीं पता होता है हमारा इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका पैशन क्या है और वो किस तरीके से हमसे कनेक्ट करेंगे, ये नहीं हो पाता है। किसी भी इन्वेस्टर को जब आप पिच कर रहे हैं अपना बिजनेस आइडिया तो बहुत ज़रूरी है कि पहले आप उसके साथ कनेक्ट कर पाए। बहुत चीज़ों में हम ये चांस नहीं ले सकते कि हम उसे अपना पूरा पिच बता दें, उसके बाद हम वेट करें कि वो कब हमारे वेंचर में इन्वेस्ट करेगा। दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच एज मेंशन बाय सर। ये बहुत ही गलत तरीका है किसी भी बिजनेस को अप्रोच करने का एक इन्वेस्टर की तरफ। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट पिच के अलावा भी अगर आप कभी भी किसी से बात कर रहे हैं तो ये बाहरी तरीके से आवश्यक है कि आप उनसे जानिए पहले कि आपकी ऑडियंस क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके पैशन क्या है। सर के पास आज हमारे लिए थोड़ा टाइम कम है, अगर सर के पास और ज़्यादा टाइम होता तो वो पहले आप सबके बारे में जानते, ये जानते कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसमें आपको दिलचस्पी है, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, आपके वैल्यूज़ क्या हैं। अगर सर को ये सब पता चल जाता है तो उनके लिए आसान बन जाता है आप लोगों से कनेक्ट करना। यही चीज़ ज़रूरी है जब हम इन्वेस्टर के पास जाते हैं, पहले इन्वेस्टर के बारे में पढ़ना, उसके बारे में सब कुछ जानना, उसके हिसाब से अपनी पिच बनाने से ही आपको कुछ फ़ायदा होगा। अगर आप उसके बारे में नहीं जान रहे हैं तो आपको उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा और आप एंड तक वेट नहीं कर सकते रिजल्ट जानने का कि आज हमने पिच कर दिया, अगर उसने मेरे को 2 महीने बाद पैसा दिया मेरे बिजनेस के लिए तो मेरा पिच सक्सेसफुल था, अगर उसने नहीं दिया तो पिच अनसक्सेसफुल था। ये रिस्क आप नहीं ले सकते, इसलिए आपको पहले ही उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। When you open with the power of a question, you maintain the power of the conversation and the power of the pitch, and you gain insight for your audience, you gain insight for your customer. जब आप अपने इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं तो कॉन्वर्सेशन किस एरिया में जा रहा है वो डिपेंड करेगा कि वो कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे आपसे बात कर रहा है। अगर वो सही डायरेक्शन पे है तभी आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा फिर से कि क्या आप सही तरह से उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। So the audio that I provided that you said you got a chance to listen to, was that of value to you? Did that work for you? आपने जो audio clip सुनी, क्या वो आपको अच्छी लगी? उससे आपको कोई benefit हुआ? So thank you, because this is the way I want to work. As I stand here today, I'm getting an idea that says, if I can provide my courses and my lesson in short audios that you can then put into practice, that a translator then can take into multiple languages, we're onto something. If we can create audio pitches, so I grew up in the world of radio and music. I grew up listening to mystery radio. And I could see the most perfect picture in my mind's eye by just imagining everything I was seeing. It was perfect. And oftentimes when there was a movie, I would be disappointed because my imagination was alive and well with beautiful storylines, beautiful adventure, and beautiful color. And I was disappointed to see a director's version of my dream. सर ने ये बोला कि जब हम सर की जो ऑडियो क्लिप्स हैं उससे शायद आपको कुछ बेनिफिट दिखा होगा। सर चाहते हैं कि उनके जो ये आइडियाज हैं अगर हम ऑडियो क्लिप्स के थ्रू आप तक पहुंच जाएं, तो अगर आप उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उन चीज़ों को इमेजिन कर पा रहे हैं, उनको अपने दिमाग में एक तस्वीर दे पा रहे हैं, तो उनका जो ये लेक्चर है वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा और उनके जो ऑडियोज हैं उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। If you have 4 objects with you, 4 pieces of paper or 4 things in front of you to make a map, place them out in front of you because I want to give you the 4 cornerstones of a really good pitch, a really good project, and a really good opportunity for sustainability. If you have any 4 objects in front of you,
For me, I'm going to take four candy bars. I'll put them over here. Yes, we'll share them, okay? I'm putting four candy bars out in front of you because I want you to think about these as four pillars. And we're going to walk through each pillar. Go ahead. Sure. Sir, आपके सामने चार ऑब्जेक्ट्स रखेंगे। वो चाहते हैं आप उसको एक चार पिलर्स की तरह रखें। इसी से उनकी आगे जो भाषण है वो आगे चलेगा और इसी से आपको पिच बनाने में मदद मिलेगी। It was my way of giving out candy bars. I'll put those here. Okay, on the upper left quadrant, if you think about four cubes and four quadrants, number one in your pitch is powerful and important. It is your team and your values and who you are. So top left, you can see. Top left. Top right, bottom left. Thank you. Top left. Imagine that top left portion is your team. And the top right portion is amplification. I'm going to get to that next. The bottom right is prosperity, where our profits are. And the bottom left is impact. But let's just focus on number one, team. These four pillars, इसको आप एक graph की तरह समझिए, जो आपके top left side पर है, वो आपकी team है. जो आपके टॉप राइट साइड पर है वो एम्प्लीफिकेशन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे yeah. जो आपके बॉटम राइट पर है वो है प्रॉफिट जो कि प्रॉस्पेरिटी जो आपके बॉटम लेफ्ट साइड पे है इम्पैक्ट कि कितना आप किसी को अपनी पिच के थ्रू इम्पैक्ट कर पा रहे हैं there's four pillars to a pitch and on top of that is a headline a header to say what are your values What is your belief? And oftentimes we say our vision statement, but a belief statement works, and of course the name of your business. Now, well, let me start with team, okay? If you're gonna pitch me an idea, a hot and cold vending machine, an app, anything that you're gonna pitch me, and I invest in you, I expect it to work. Now, lots of people talk about failures. If I'm gonna give you money, and you're telling me it's going to deliver impact and ROI, that's what I want, impact and ROI. सर ने इस बारे में बात की कि कोई भी इन्वेस्टर अगर आपके बिजनेस में पैसा डालने वाला है तो वो ये जानना चाहेगा कि आपका जो बिजनेस है वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है और आपका बिजनेस इन्वेस्टर को कितना पैसा जनरेट कर सकता है क्योंकि वो एक रिस्क ले रहा है आपके आपके बिजनेस में पैसा डाल के सर ने एक कॉफी वेंडिंग मशीन की बात की और ऐप की बात की अगर कोई ऐप या कॉफी वेंडिंग मशीन का बिजनेस ला रहा है तो इन्वेस्टर चाहता है कि वो चीज काम करे और इंपैक्ट क्रिएट करे हाउएवर इफ आई हियर यू एंड योर पैशन एंड योर टीम एंड आई वांट टू इन्वेस्ट इन यू बिकॉज आई लाइक योर पैशन आई लाइक योर स्पिरिट आई लाइक योर ड्राइव आई लाइक योर टेनेसिटी आई लाइक your belief and your values. If I invest in you, I will get you through mistakes. I will forgive your failures because I was sold on you first and foremost. Your ideas come second. जब भी आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो देखता है कि आप खुद एक टीम में कैसे हैं। आप और आपके साथ जो काम कर रहा है उस बिजनेस में, वो क्या वो पावरफुल हैं क्या उनमें इम्पैक्ट लाने की क्षमता है अगर ऐसा है तब इन्वेस्टर आप में पैसा डालता है और जो आपका आइडिया है वो सेकंड नंबर पे आएगा दूसरे स्थल पे आएगा पहले स्थल पे आप खुद क्या है उस पे डिपेंड करेगा कॉन्टैक्ट अस एट वेबसाइट www.voicevision.in फेसबुक facebook.com/voicevision.in इंस्टाग्राम voice.vision ट्विटर @voicevision_in YouTube Voice Vision Telephone 022-4040-0000 Mobile 98205-6610 Thank you for watching the video and do not forget to like, share and subscribe.